नमस्कार, स्वागत है आपका जोरवाल एकेडमी में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका वीरता पुरस्कार के साथ में जो फैमिली पेंशन या पेंशन मिलता है उससे अब इनकम टैक्स नहीं कटेगा। अब से पहले क्या हो रहा था कि जो प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट ऑफिस है इलाहाबाद में, उनको रेगुलर कंप्लेंट्स मिल रही थी कि जो पीडीए है या उनका जो बैंक है वो पेंशन से टीडीएस काट ले रहा है, यानी जो वीरता पुरस्कार के साथ में पेंशन मिल रहा था जो भी एम्प्लॉयज को या फैमिलीज को, उनसे टीडीएस काट लिया जा रहा था। तो जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको लॉस हो रहा था। और उसी बात को ध्यान में रखते उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था। वो जो ऑर्डर है वो फरवरी 2017 में इशू किया है, और उस ऑर्डर में पीसीडीए ने बोला है कि जो पेंशन मिलती है फैमिली पेंशन वीरता पुरस्कार के साथ में, उससे इनकम टैक्स नहीं काटा जा सकता। और उन्होंने बोला कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसका जो सेक्शन 10(18) जो कि फाइनेंस एक्ट 2000 के द्वारा उसमें डाला गया था, उस एक्ट के अनुसार जो भी अमाउंट किसी पुरस्कार या वीरता पुरस्कार जैसे परमवीर चक्र, महापरमवीर चक्र और वीर चक्र जैसे जो वीरता पुरस्कार हैं उनके साथ में मिलता है, तो वो जो इनाम है या पुरस्कार है वो इनकम टैक्स फ्री है, या जो पेंशन मिलती है वो इनकम टैक्स फ्री है, और जो भी फैमिली पेंशन मिल रही है वो भी इनकम टैक्स से फ्री है। तो इसी अथॉरिटी के अंदर में जो भी वीरता पुरस्कार के साथ में फैमिली पेंशन मिल रही है पेंशनर्स को, वो इनकम टैक्स से फ्री है, और जो भी पीडीए हैं या बैंक्स हैं वो पेंशनर्स की पेंशन से इनकम टैक्स नहीं काट सकते। और यदि कोई भी जो पीडीए या बैंक अभी भी आपका इनकम टैक्स काट रहा है आपके पेंशन से, तो आप इस अथॉरिटी के अंदर आपका जो इनकम टैक्स कटौती है वो बैंक से बंद करवा सकते हैं। और फिर भी बैंक बंद नहीं करता तो आप ये ऑर्डर उनको दिखा सकते हैं और फिर से कंप्लेंट कर सकते हैं पीसीडीए को, जो कि इसका नोडल अथॉरिटी है और वो तुरंत इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, तो हमने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो आप